तो गाइस लास्ट एपिसोड का तो आप लोगों को पता ही है ना कि गाइस यार हमारे पे कर्स्ट कार पीछे से किसे दिनों से पड़ी हुई है। अब वो जो कर्स्ट किलर कार है गाइस यार उसको मारने के लिए पापा ने उपाय दिया है कि वो यार वो जो कर्स्ट किलर कार के अंदर जो आत्मा है ना गाइस यार उसका ना एक्सीडेंट हो गया था है ना, उस व्यक्ति का इसी टनल पे एक्सीडेंट हो गया था। और उस एक्सीडेंट के कारण से गाइस पता क्या बात हो गई थी, बात ये हुई थी कि भाई वो व्यक्ति भी मर गया था और उसकी गाड़ी भी आत्मा, उसको गाड़ी बड़ी प्यारी थी तो उसकी गाड़ी भी आत्मा बन गई थी। गाइस कैन यू रिलेट भाई, मतलब सॉरी कैन यू इमेजिन भाई, यार गाड़ी भी आत्मा बन सकती है। और भाई वो गाड़ी सही में आत्मा बन रखी थी और भाई अब वो हमें परेशान तो कर ही रही है। तो बाबा ने उपाय दिया है कि भाई वो जो आत्मा है ना गाइस, उस आत्मा को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो गाइस हम लोग कल गए थे बाबा के पास, तो बाबा ने बताया कि उस गाड़ी को और उस आत्मा को अगर हम लोग पानी में धकेल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बाबा की बॉटल में चली जाएगी। आप लोगों ने देखा ही होगा लास्ट एपिसोड में, ऐसे ही कुछ सुनने को मिला था आप लोगों को। तो भाई यार आज मैं वो ही काम वाला हूं। और गाइस उस वाली जो कर्स्ट किलर कार है गाइस आपको तो पता ही है कितनी ज्यादा खतरनाक है, और उस खतरनाक गाड़ी को कौन व्यक्ति, आ शिट मैन, गाइस आपको पता ही है कि कर्स्ट किलर कार को यार खींचना और भाई उसको पानी में धकेलना कितना बड़ा टास्क हो सकता है। तो यार मेरे को शाम तक का काफी ज्यादा वेट करना है। अब यार इस समुंदर के अंदर मुझे उस गाड़ी को घेरना है, कर्स्ट किलर कार को, भाई बड़ा ही डेंजर वाला सीन होने वाला है भाई और बहुत ज्यादा खतरनाक। लेकिन गाइस आज मैं कौन सी गाड़ी से उस गाड़ी को धकेलने वाला हूँ, द लॉर्ड जेस्को। ये रही अपनी लॉर्ड जेस्को। फ्रैंकलिन क्या हो गया भाई तेरी आवाज को? अरे भाई माइकल भाई थोड़ा कल गला फाड़ लिया था ना, वो पूरी पीछे पड़ गई थी ना वो, क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा तेरी आवाज बिल्कुल बदल गई है यार। हाँ यार माइकल भाई, तो फ्रैंकलिन तेरे को लगता है क्या, और तूने ये ट्रक क्यों मंगा रखा है? अरे ऑडियंस आप लोग भी सोच रहे होंगे ये ट्रक क्यों मंगा रखा है। तो गाइस ये जो ट्रक है ना, ये ट्रक के अंदर भरा पड़ा है इतना सारा माल, पानी, रोड़ी, बदरपुर सब भरा पड़ा है। अब उससे क्या होगा ना माइकल भाई, मैं इसको एक बार देखता हूँ कि अपनी जेस्को इस ट्रक को खींच सकती है क्या। अगर वो इस ट्रक को खींच सकती है तो भाई वो कर्स्ट किलर कार को तो वैसे भी खींच सकती है। फ्रैंकली वो कर्स्ट किलर कार कोई नॉर्मल कार नहीं है, वो एक आत्मा वाली गाड़ी है, आत्मा वाली, वो गाड़ी भी भूत बन रखी है। अरे और नहीं तो क्या फ्रैंकलिन यार, तू भी क्या बात करता है। अरे यार ट्रेवर भाई, माइकल भाई, लेकिन चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ यार, अपनी जेस को खींच पाती है इस ट्रक को? अगर खींच पाती है तो गाइस वेल एंड गुड, और जेस को आप लोग काफी दिनों से यार इसका वेट कर रहे थे। ऑडियंस आप सभी लोगों ने कल वो देखी थी, कितनी खतरनाक थी वो कर्स्ट किलर कार, ऐसी तैसी कर दी उसने मेरी बहुत बुरी तरीके से। अरे फ्रैंकली मैं ये समझती नहीं है, वो कर्स्ट किलर कार है मैं। अरे 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 तुमने देखा ना शिंचन, कल कष्ट किलर कार ने क्या भरा हड़कम बचाया था। भाभी हड़कम तो बचाया था, लेकिन बात साहब तुम सभी लोग डर क्यों रहे हो? भाभी जी आप भी क्यों डर रहे हो? कल फ्रैंकलिन और हम लोग बाबा से मिलके तो आए थे भाई, वो बाबा ने उपाय तो बताया है ना भाई, और उस अगर हम कष्ट किलर कार को समुन्द्र में धकेल देंगे तो अपने आप वो कष्ट किलर कार के अंदर जो आत्मा है वो समुन्द्र के अंदर से जाके बाबा की बॉटल में समा जाएगी। अरे बात तो सही है पर भाभी, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन आज देखते हैं ना क्या होता है। नहीं मुझे डर लग रहा है यार, फ्रैंकलिन अकेले जाएंगे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया हमें नहीं जाने देंगे, पक्की बात है। अरे यार कैसे करेंगे? बात है यार, लेकिन फ्रैंकलिन के पास जेस्को है, ये बात ध्यान रख रहा तुम लोग। फाइनली मैंने ना यार टॉर्चन कर दिया है, और जब यार हमारी जेस्को ये ट्रक को क्यों नहीं खींच पा रही है? फ्रैंकलिन बूस्ट मोड ऑन कर यार, खींचेगी। अरे यार नहीं यार, ये नहीं खींच पा रही है यार, वो कैसे खींचेगी कर्स्ट किलर कार को यार, रात को यार भांडा फोड़ हो जाएगा। फ्रैंकलिन, अरे फ्रैंकलिन स्पोर्ट्स मोड लग। जब फ्रैंकलिन भैया के पास जेस्को है तो फ्रैंकलिन भैया जेस्को से यार, हाँ वो हाँ कर्स्ट किलर कार फ्रैंकलिन भैया को पकड़ नहीं सकती, क्योंकि फ्रैंकलिन भैया अगर जेस्को में बैठे होंगे तो। लेकिन बात साहब, कर्स्ट किलर कार के मुझे पता है वो 10 रूप धारण कर लेती है। चप्पो तुम इतनी खतरनाक बातें कहाँ से लेके आए हो? बाप साहब मैंने ना बाप साहब देखी है कहीं पे यार ये चीजें, कष्ट किलर कार फिर तो ये बहुत ज्यादा डरावनी हो जाएगी, कहीं फ्रैंकलिन भैया को जेस्को समेत ना खा जाए। शिंचन शुभ शुभ बोलो। अरे शुभ शुभ, अरे नहीं मतलब यार ढंग से बोलो, साफ सीधी बात बोलो। अरे यार क्या रहा भाभी, मैं क्या बोलूँ, अगर डेंजर हो गया तो मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, ये तो फ्रैंकलिन भैया को समझनी चाहिए ना, लेकिन फ्रैंकलिन भैया नीचे कर क्या रहे हैं? गाइस क्या खींच पाएगी? स्पोर्ट्स प्लस मोड लगा दिया मैंने, हैं कोशिश करता हूँ। ओके ओ भाई फाइनली इसने खींचा तो था, अरे फ्रैंकलिन खींचा तो था, पर यार इस और इसकी स्पीड लगा। ओ भाई खींचा भाई, ओ भाई ये तो इतने बड़े ट्रक को खींच पा रही है, तो भाई वो तो उसको तो खींच ही देगी फ्रैंकलिन सर, पर इतना अच्छी तरीके से नहीं खींच पा रही। अबे यार ले, मैं इसकी जगह कोई और सी गाड़ी लगा के देखता हूँ भाई, वो भी नहीं खींच पाएगी आई एम डैम श्योर, है ना। ओके ओके ओके, पहले मैं इसको अनटॉर्चन वापस से कर देता हूँ, है ना।
फ्रैंकलिन करते हैं, जल्दी से करते हैं। हाँ भाई हाँ, अनटच कर दिया भाई, अच्छे से अपनी जेस्को को पार करते। ट्रेवर भाई सॉरी यार लग जाए तो। फ्रैंकलिन यार तेरी की मार दिया साले हरामखोर। सॉरी भाई ट्रेवर भाई। लो भाई माइकल भाई आपकी वोट देख लेता RS7 से। अबे ओए RS7 से पंगे क्यों? अरे 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 फ्रैंकलिन ओए मेरे पे मत चढ़ा दियो। हाँ हाँ ठीक है आप हट तो जाओ ना। ओके सो गाइस ये फॉर्मूला 1 रेसिंग कार है, इसको ही लगा के देख लेते हैं क्या ये खींच पाती है। कोशिश करते हैं। अब मैं टॉर्चन करता हूँ इसको जल्दी। मैंने इसे टॉर्चन कर दिया, अब मैं खींचता हूँ। अरे फ्रैंकलिन सर ये तो बिल्कुल भी टस से मस नहीं कर रही है। भाई ये तो बिल्कुल भी टस से मस नहीं कर रही है। अबे भाई ये तो बिल्कुल ही ट्रक हिल ही नहीं रहा है। अबे यार देखा ना माइकल भाई, फ्रैंकलिन समझ गया यार मैं तेरी बात को। हाँ भाई ट्रक हिल ही नहीं रहा है और क्या। चल समझ गया छोड़ दे अब। हाँ इसलिए तो। लेकिन जैस्को अपना कमाल करेगी गाइस। यार अब यार जैस्को तेरे ऊपर ही बतन साथिया, जैस्को तू ही हमें बचा सकती है, नहीं तो भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ड्राइवर भाई उठ जाओ। अरे ठीक है ना यार। अरे भाई बच्चे सारे डरे हुए हैं क्या? और भाई अपनी जैस्को तू ही कुछ कर सकती है। देख ऑडियंस को भी तेरे पे बहुत ज्यादा भरोसा है और मेरे को भी बहुत ज्यादा भरोसा है। गाइस अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है ना जैस्को पे तो कमेंट बॉक्स में जैस्को ओपी लिख दो, क्योंकि जैस्को का यार हम लोगों को ना कॉन्फिडेंस भराना है जिस हिसाब से ये आज देखते हैं भाई कैसे करती है पंगेबाजी। मैं नीचे देखने चलती हूँ, पता नहीं गाड़ियों की आवाज कैसे आ रही है। फ्रैंकलिन क्या कर रहे हैं? फ्रैंकलिन भैया आप कर पाओगे क्या? अरे शिनचैन ये लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? अरे शिनचैन तू चिंता क्यों कर रहा है यार, तुम लोग डरो मत बिल्कुल भी, मैं अकेले जाऊंगा। नहीं मुझे ना फ्रैंकलिन के साथ मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर जैस्को से एक बाल किसी अनहोनी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे अरे क्यारा क्या बात हो गई? फ्रैंकलिन प्लीज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी आज। क्यारा तुम्हें पता है ना वो कितनी डेंजर है, वो कर्स किलर कार एक बार पीछे पड़ जाती है तो। फ्रैंकलिन पर तुम्हारे पे पीछे पड़ गई तो? अरे कोई बात नहीं ना, आज तो मुझे उसको बुलावा करना है, बस आज रात का वेट है, मुझे उस कर्स कार को ना भाई बुलाना है भाई। फ्रैंकलिन वो तो तू टनल पे पहुंच जाएगा तो अपने आप आ जाएगी। अरे अरे माइकल भैया ड्राइवर भैया समझाओ ना, अगर वो कष्ट किलर कार ने जैस्को को पकड़ लिया तो। क्यारा जैस्को को कोई नहीं पकड़ सकता। पर वो आत्मा कार है माइकल भैया, कोई भी पकड़ सकता है उस गाड़ी को। उसने अच्छे अच्छे बुगाटी तक को पकड़ा यार, माइकल भैया समझो। अरे अरे यार हाँ यार ये बात तो सही है। तो क्यारा तुम क्या चाहती हो? ये क्यारा मेरे साथ साथ लगने को चाहती है। क्यारा नहीं साथ मत चलो यार। ऐसा अच्छा क्यारा चलो ठीक है, फ्रैंकलिन को अकेले नहीं भेजते, फ्रैंकलिन के साथ मैं जाता हूँ। माइकल भैया पर क्यारा चिंता मत करो मैं जाता हूँ। मैं भी चलूंगा, मैं फ्रैंकलिन को ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकता। नहीं चौपो तुम लोग घर पे रहना यार, आज माइकल भाई और मैं ही जाएंगे। तुम लोग मेरे से वॉकी टॉकी पे कनेक्ट रहना, जो भी बात होगी ना सब कुछ तुम लोग टीवी पे देख लेना ठीक है। मैं कैमरा लेकर के जाऊंगा, टीवी में जो सब चीज तुम देख रहे होगे और वॉकी टॉकी से तुम मेरे से वार्तालाप कर पाओगे। अब बस रात होने का वेट है, एक बार अंधेरी रात हो जाए फिर बाद में कष्ट किलर कार की तो ऐसी तैसी उड़ानी है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया विजय भवा आज तो भाई कर ही देना काम। हाँ भाई हाँ, तो ऑडियंस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो आप लोग। फाइनली गाइस रात हो चुकी है, अब वो समय आ गया है कर्स्ट किलर कार से पंगा लेने का। अब गाइस पता नहीं कर्स्ट किलर कार की लाइट इधर भी आ रही है यार कहीं। नहीं नहीं यार ये लाइट तो ऐसी ही है, ये तो हमारे घर की तरफ की लाइट है। लेकिन गाइस वो कर्स्ट किलर कार हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन आज मुझे करना ही है ठीक है। फ्रैंकलिन भैया हम चलते हैं ना आपके साथ? चिंता मत करो यार, मैं वापस आऊँगा और लॉस सेंटोस को उस कर्स्ट किलर कार से मुक्ति दिला करके आऊंगा। ड्राइवर भाई सबका ख्याल रखना। फ्रैंकलिन पर क्यारा चिंता मत करो हम आ जाएंगे, चिंता मत करो, तुम्हें सब कैमरे में फिल्टर दिखाई देगा। अरे फ्रैंकलिन भैया पर तुम यार पर रहने दो। बाप सब कांग्रेस वो ऑल द वेरी बेस्ट, फ्रैंकलिन तू जीत कर आएगा। फ्रैंकलिन सर ऑल द वेरी बेस्ट, आप उस कर्स्ट किलर कार की टट्टी निकाल देना। हाँ भाई पूरी कोशिश ऐसी रहेगी मेरी तो। ओके सो गाइस अभी तो माइकल भाई पूरी रोड चल रही है। फ्रैंकलिन सर आ जाओ फिर निकल गए इस टाइम पे। ओ भाई तुम लोगों की सेवा के लिए निकला हूँ मैं। हाँ फ्रैंकलिन सर मुझे पता है आप लॉस सेंटोस में हम लोगों की सेवा के लिए निकले हो, हमें पता है सर आप उस कर्स्ट किलर कार से हमें बचाने के लिए निकले हो। सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आपके लिए न्यूज छापूंगा और सर आपकी वाहवाही करूंगा। देखा ना माइकल भाई, आओ फ्रैंकलिन जब अच्छा काम करते हैं तो अच्छा ही सामने आती है। देख देख सारे लोग रास्ते में जाना बंद हो गए हैं गाइस, वो ही डरावना मंजर चालू हो गया है। इक्का दुक्का पीछे गाड़ी आ रही है वो भी आना बंद हो जाएंगी, और ये टनल तक गाइस कोई भी गाड़ी ना हमारे आगे रहेगी ना हमारे पीछे रहेगी। माइकल भाई पूरा डेंजर हिसाब किताब हो गया अब तो। फ्रैंकलिन करना है, फ्रैंकलिन भैया बस के बच के करना। फ्रैंकलिन भैया चिंता मत करो, फ्रैंकलिन तू कर पाएगा। माइकल ध्यान रखियो, फ्रैंकलिन को हौसला बढ़ाते रहियो। फ्रैंकलिन प्लीज वापस आ जाना। अरे क्यारा मैं वापस आऊंगा गाइस, क्योंकि ये लोग इसलिए डर रहे क्योंकि मैं एक आत्मा गाड़ी से पंगे लेने जा रहा हूँ। आत्मा वो है और आत्मा एक गाड़ी जो कि यार मैं इन लोगों से पंगे लेने जा रहा हूँ। माइकल भाई फ्रैंकलिन टनल क्रॉस मत कर, रोक ले गाड़ी रोक। हाँ रोक ली, अब वेट करते हैं।
तो गाइस देख सकते हो वही हुआ जो होता आया है टनल के पास ही हम लोगों को। ये फ्रैंक माइकल भैया बहुत सस्पेंस बना रहे हैं, डर रहे हैं, डर लग रहा है। अरे लाइट जा चुकी है, हमारी गाड़ी की भी लाइट कभी भी बंद हो सकती है और सामने से वो कर्श किलर कार आएगी। माइकल भाई आज वो कर्श किलर कार की मतलब ऐसा करें हम लोग इसी टनल से ही जाएं। हाँ आज हमें इसी टनल से जाना है और कैसे भी करके हमें उस कर्श किलर कार को इस समुंदर में फेंकना है। माइकल भाई समुंदर तो पास में ही है पर फ्रैंकलिन चिंता मत कर, कर देंगे हम लोग काम। हाँ माइकल भाई बस वो कर्श किलर कार का वेट है। और भाई कितनी गंदा डरावना म्यूजिक और साउंड बज रहा है भाई पीठ पीछे, फ्रैंकलिन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और वो कर्श किलर कार अभी तक नहीं आई। ओए ओए शिट हमारी गाड़ी की भी लाइट बंद हो गई। माइकल भाई अब देखते हैं यार वो कहाँ से आ रही है। भाई क्या लगता है वो कर्श किलर कार आ रही है? फ्रैंकलिन भैया देख लो। अरे देखते हैं माइकल भाई। फ्रैंकलिन आवाज़ तो आ रही है यार। माइकल भाई आ तो मुझे भी रही है कर्श किलर कार की आवाज़। ओए आ गई माइकल भाई आ गई। फ्रैंकलिन भैया अबे पकड़ के दिखा, आजा भाई आजा। किस बर्फ की बात की भूत प्रेत बनती है, आजा भाई आज जेस्को से इसका पाला पड़ा है। फ्रैंकलिन भैया प्लीज बच के रहना, वो बड़ी खतरनाक है। टेंशन बच के ही रहूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फ्रैंकलिन बच के आराम से आराम आराम से चलियो। माइकल भाई मैं चल ही रहा हूँ, पकड़ के दिखाया ना बस एक बार ये जेस्को को। ओके गाइस पूरे पीछे आ चुकी है हमारे। अरे फ्रैंकलिन टनल में घुस जा, टनल में घुस जा, देखते हैं। ओके सो गाइस कर्श किलर का पूरा पीछा कर चुकी है भाई, कितना खतरनाक हो चुका है। ओ माइकल भाई इधर डबल है, अब की बार फ्रैंकलिन डबल है, इस पे टॉर्चन कर ले। माइकल भाई अभी मेरे को ना इसके पीछे से ही टॉर्चन करना पड़ेगा, मैं तभी इसको खींच पाऊंगा, ऐसे तो मैं इसको नहीं खींच पाऊंगा। माइकल भाई अरे माइकल भाई पीछे लग चुकी है बहुत खतरनाक तरीके से। फ्रैंकलिन मैं समझ पा रहा हूं। ओ फ्रैंकलिन 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 ये बहुत ज्यादा लाइट मार रही है, तू यार अंधा हो जाएगा। माइकल भाई चिंता मत करो, मैं करता हूं पूरी कोशिश और गाइस मैं आगे भागने की कोशिश पूरी कर रहा हूं और मैं इसको कैसे भी करके समुंदर में धकेलता हूं। माइकल भाई अरे फ्रैंकलिन ठोकने की कोशिश कर, एक बार ठोक तो सही उसे। अरे हाँ एक बार पीछे जाता हूँ, आज मेरे को डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बाबा की यार बाबा ने जैसा बोला मेरे को वैसे ही करना है। फ्रैंकलिन करके दिखा एक बार। ओके भाई साहब भाई का भाई फ्रैंकलिन खींच जल्दी से। ओके सो गाइस ओ भाई जेस्को जेस्को चुम्मेश्वरी है। माइकल भाई जेस्को कमाल की है भाई, जेस्को ने उसके भाई अंजर पंजर ढीले से कर दिए है भाई साहब। ओके फाइनली गाइस जेस्को क्या कमाल करती है, फ्रैंकलिन क्या गाड़ी है भाई अपनी जेस्को। यार माइकल भाई पर डैमेज, फ्रैंकलिन डैमेज नहीं करनी, पागल है क्या, उसकी गाड़ी डैमेज नहीं होगी क्योंकि वो भूत है। ओके सो गाइस एक बार हम लोग इसको खींचने की कोशिश करते हैं, है ना अच्छी तरीके से। ओके मैंने टॉर्चन कर चुका है। अरे अरे माइकल भाई हमने हुक्ड कर दिया, ओ कर दिया। अब ये देख सकते हो हम लोग जहां ले जा रहे हैं वही आ रही है। फ्रैंकलिन पर दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, यार यही तो दिक्कत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसकी लाइट के चक्कर में। ओके सो गाइस मैंने टॉर्चन अच्छी तरीके से कर तो दिया है, अब मैं किधर से लेकर के जाऊँ? माइकल भाई समुंदर पर लेकर के जाना है। ओके सो गाइस आपको रस्सी दिखाई दे रही होगी ये टॉर्चन वाली, ओ भाई ये तो हमें वापस खींच रही है माइकल भाई। अरे फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन खींच उसे जल्दी से। ओके सो गाइस ये काम सिर्फ जेस्को ही कर पा सकती है, और जेस्को तेरे जेस्को ने तो कमाल कर दिया। माइकल भाई समुंदर के पार लेके जाएं। हाँ फ्रैंकलिन समुंदर के पार लेकर के जाए जल्दी से। ओ शिट 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 ये आ गए हम लोग समुंदर के पास। ओ ये समुंदर के पास ये गाड़ी बावली हो गई। ओ भाई ये हमें उल्टा खींच रही है। अरे भाई माइकल भाई ये तो हमें उल्टा खींच रही है। फ्रैंकलिन क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये तो पीछे खींच रही है हमें भाई। ये तो समुंदर के पास आते हुए गाड़ी बहुत ज्यादा बावली हो गई है। फ्रैंकलिन कुछ करो फ्रैंकलिन कुछ करो। क्या मैं कुछ कर ही रहा हूँ कुछ कर ही रहा हूँ। ओके अबे भाई माइकल भाई इसने तो वो रस्सी तोड़ दी। क्या वो रस्सी तोड़ दी? हाँ मैंने जो इसे रस्सी से टॉर्चन कर रखे थे इसने रस्सी तोड़ दी और हमारे पीछे वापस से लग चुकी है गाइस। हमारी जेस्को की हालत काफी खस्ता कर दी इसने तो। माइकल भाई निकालो जल्दी से। अरे अरे तू निकाल फ्रैंकलिन, मैं थोड़ी चला रहा हूँ। अबे भाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसकी इतनी बड़ी आंधी तूफान से। फ्रैंकलिन भैया उससे दूर जाओ। कहाँ से शिनचैन दूर जाऊँ, उसकी इतनी तगड़ी लाइट मारती है कि गाइस हम लोगों को आगे का दिखना ही बंद हो जाता है। माइकल भाई अभी क्या करें? फ्रैंकलिन ये तो बड़ी खतरनाक चीज है भाई, ये पानी के पास आके तो बिदक गई बिल्कुल ही। पानी के पास आके तो गाइस ये बहुत ज्यादा बावली हो गई थी। अरे गाइस शोर ये लेते हैं भाई ये रास्ता, इसको यार कहाँ चली गई अब किधर गई है भाई? हम लोगों को इसे किसी भी हाल में पकड़ना है। माइकल भाई वो तो बात ठीक है लेकिन ये दिखनी भी तो चाहिए यार, दिख ही नहीं रही है, अब किधर गई है ये? गाइस आपको दिख रही है क्या? ओके लाइट तो पता चली भाई, ये रही 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 लाइट आई है ना। माइकल भाई करें? हाँ फ्रैंकलिन आज तो पंगे ले, आज इससे तो आज तो मैं पूरा पंगे ले रहा हूँ। गाइस हम लोग काफी पास तक समुंदर के ले आए हैं, अब यार मैं समुंदर पे इसको ऐसे धकेलने की कोशिश करता हूँ। गाइस मुझे इसको समुंदर में धकेलना है कैसे भी करके। एक बार ये समुंदर पे धकेल दिया ना मैंने, फिर तो देख सकते हो गाइस इसका क्या ही हाल होना है। अरे अरे भाई साहब ओके 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 भाई वो लग रहा है हमारा गेम तो नहीं समझ गई है। माइकल भाई फ्रैंकलिन क्या पता वो हमारा गेम समझ गई हो। माइकल भाई चलो भाई हम लोगों ने वापस इसको टॉर्चर
एक्शन कर दिया गाइस, पूरी अच्छी तरीके से कर दिया है और अपनी जैस को वापस इसको खींचने पे लगी पड़ी है। फ्रैंकलिन पर समुंदर के पास खींच यार। हाँ भाई, समुंदर के पास ले जाने की कोशिश करते हैं गाइस हम लोग पूरी तरीके से। अरे भाई, पूरी जैस को पूरी जान लगा के खींच रही है माइकल भाई। फ्रैंकलिन लेके चलना माइकल भाई, वो पानी के पास आके हमारी डायरेक्शन चेंज करवा रही है कैसे भी करके। अरे यार फ्रैंकलिन कुछ भी, अरे भाई इसने तो वापस हटवा लिया यार। ये पानी के पास आते के साथ ही यार, आई 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 फाइनली आई पानी के पास। ओके ओके माइकल भाई क्या करें। फ्रैंकलिन इसके ना पीछे से हुक लगा। ओके ओके पीछे से हुक लगा इस गाड़ी के। ओके ओके अबे तेरी की, हाँ लगा दिया माइकल भाई लगा दिया। फ्रैंकलिन खींच अब। ओके ओके खींच रहा हूँ मैं, काफी अच्छी तरीके से खींच पा रहा हूँ। ओके ओके भाई अब आजा तू साली, कष्ट कार दिमाग खराब करके रखा था गाइस। ना आरपीजी से मरेगी ये गाड़ी, ना किसी चीज से मरेगी। आप लोग काफी कमेंट कर रहे थे कि आरपीजी से मार दो गाइस, ये तो आत्मा गाड़ी है, इस गाड़ी को आरपीजी से थोड़ी मार सकते हैं, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये गाड़ी का उपाय है भाई पानी में, जो बाबा ने बोला था ना, पानी में, पानी से इस गाड़ी को डर लगता है क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा है ना वो पानी से डरती है, वो पानी में ही डूब के मरी थी इसलिए गाइस वो पानी से डरती है। माइकल भाई फ्रैंकलिन अपनी गाड़ी भी पानी में जाएगी याद रखियो। अरे फ्रैंकलिन भैया कोई नहीं, बाबा आज तक करके दिखा भाई, ये पानी में नहीं जाने दे रही हम लोगों को। ओए हम लोग तो पानी में आ गए, ये गई क्या? अरे भाई फ्रैंकलिन ये तो गई भाई, पानी में गई आधी। ओ भाई मुझे पूरी इसकी लहरों को डुबाना है। फ्रैंकलिन कैसे करें, माइकल भाई कैसे ना कैसे करके तो करेंगे। अबे यार इसने तो वापस से छुड़वा लिया गाइस हम लोगों को। अरे यार क्या करें, फ्रैंकलिन समझ ही नहीं आ रहा है। ऑडियंस आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग वापस पे सड़क पे आ गए और हमारी गाड़ी का देख सकते हो आगे वाला टायर कितनी बुरी तरीके से पंचर हो चुका है, इधर वाला भी टायर पंचर हो चुका है गाइस, गाड़ी की काफी ज्यादा ही खस्ता हालत हो गई है। फ्रैंकलिन भैया वही काम करो अगड़म बगड़म तिगड़म। अबे भाई उस भूत प्रेत के राज में भाई कोई भी जादू काम नहीं आने वाला पिंचन, तू समझ बात को, कल भी कौन सा काम आ रहा था, नहीं तो हम लोग ठीक नहीं करते थे सब। माइकल भाई वो दिख रही है क्या? फ्रैंकलिन नहीं, वो गाड़ी नहीं दिख रही अभी तक। ओके सो गाइस यार आप लोगों को दिख रही है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, बाकी ऑडियंस आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई बहुत ज्यादा पूरा लॉस सेंटर्स में डर का माहौल बना पड़ा है, डर का माहौल तो होगा ही ना भाई, भूतिया गाड़ी है हमारे पीछे। ये क्या आपको गाइस, हम लोगों को ना इतनी देर से देख रहे हैं, वो अभी तक हमारे पीछे नहीं आई है भाई। समुंदर में तो नहीं चली गई माइकल भाई, अगर समुंदर में अगर वो गई होती ना तो ये जो मौसम है ना ये सिर्फ कष्ट कार किलर की वजह से ही है, कष्ट किलर कार की वजह से ही है, ये मौसम भी ठीक हो जाता और वो ऐसे थोड़ी ना जा सकती है। उसने हमारा पीछा छुड़ाया और वो गाड़ी गायब हो गई भाई। माइकल भाई उसे समझ आ गया उस आत्मा को और वो अपनी गाड़ी लेकर के भगली। हाँ फ्रैंकलिन क्या पता डर के मारे ऐसा काम तो नहीं हो गया, कुछ भी हो सकता है यार, बाबा जी के पास चले गया, कोशिश करें। अरे पर वो सड़क में तो राजा बन जाएगी ना, सड़क पे हमारा पीछा तो करेगी गाइस वो बड़ी खतरनाक तरीके से गाइस, क्या पता वो करेगी क्या हमारी सड़क पे पीछा, मुझे नहीं पता। हम ऐसा करते हैं बाबा जी के पास चलने का प्लान करते हैं। फ्रैंकलिन घर वापस आ जाओ ना। नहीं ओए सामने देख रहे हो माइकल भाई, आई शिट। ओबे भाई अचानक से सामने आ गई, डरा दिया भाई इसने बिल्कुल ही। ओबे भाई माइकल भाई ये तो पीछे पड़ गई। अरे फ्रैंकलिन हमारी गाड़ी को उसने डैमेज कर दिया कितना ज्यादा, ये तो अब चलने लायक भी नहीं रही। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या करे भाई, ये तो चलने लायक भी नहीं रही है, अब क्या करे। अबे यार माइकल भाई किधर क्या करे अब तो। अरे गाइस ये तो उपाय बहुत ज्यादा खराब हो गया यार। फ्रैंकलिन जेस्को ने खींचा तो सही, सब कुछ सही किया, लेकिन यार अब जेस्को की रिपेयरमेंट कौन करेगा भाई, इतने टायर घुसने के बाद भी जेस्को भगने में यार बीचे नहीं हट रही है गाइस, अभी भी 200-300 की स्पीड में भग रही है जेस्को। गाइस जेस्को के लिए कमेंट बॉक्स पे ओपी लिख दो यार, जेस्को ने बहुत अच्छा करा काम माइकल भाई, लेकिन यार वो गाड़ी। अरे शिट भाई शिट, माइकल भाई क्या करें। फ्रैंकलिन वो समुंदर में नहीं जा पा रही है यार, वो यार समुंदर से उसने अपना रास्ता देखा कैसे बदल लिया, देख हमें देख कहाँ उड़ाया, वो हमारी गाड़ी डैमेज करना चाहती है। फ्रैंकलिन अभी इसी में भलाई है कि घर वापस से चलते हैं, घर वापस से, वो घर वापस जाने देगी माइकल भाई हम लोगों को? भाई फ्रैंकलिन क्यों नहीं जाने देगी, देख अरे पीछे से आ गई वापस से। अरे भाई फ्रैंकलिन क्या करें, माइकल भाई अपने पीछे। अरे माइकल भाई अभी तो यही भलाई कि हमें घर वापस जाना है गाइस, यार हम लोग तो कुछ और सोच के आए थे पानी में धकेलने के लिए, अब किस उपाय से हम लोग इसको पानी में धकेलेंगे, आप लोग ही कमेंट करके बताओ। ये हमारे पीछे पड़ी हुई है पूरी, हाथ धो करके हाथ में। ओए ये टनल में नहीं आई। अरे फ्रैंकलिन वो टनल में नहीं आए, क्यों नहीं आएगी, वो आएगी भाई, टनल ही तो उसका असली रास्ता है। भाई माइकल भाई चलो जल्दी से चलो भाई, वो बड़ी खतरनाक है। फ्रैंकलिन चल तो रहे हैं भाई, गाड़ी की तो हालत खराब ही है। हाँ भाई हाँ माइकल भाई गाड़ी की हालत तो ज्यादा ही खराब हो रखी है। ओके सो गाइस वो गाड़ी भी पीछा नहीं छोड़ रही भाई, यार छोड़ दे पीछा छोड़ दे, कष्ट किलर कार हराम खोर की पिल्ली साली कुतिया कमीनी। अरे यार फ्रैंकलिन माइंड योर लैंग्वेज, अरे माइंड योर लैंग्वेज की धक्कियां मैं उड़ा हूँ यार, मैं क्या करूँ माइकल भाई, माइकल भाई ये पीछा नहीं छोड़ रही यार अब तो गाइस, कष्ट किलर कार, अरे तेरी की। अरे यार फ्रैंकलिन करे क्या भाई, अब यार हम लोग अपने सिटी में आ गए हैं, सिटी में गाइस वो कर्ज सरकार हमारा पीछा नहीं करेगी। ओके सो गाइस बच गए हम लोग यार, शायद से हम लोग सिटी में आ गए हैं, सिटी में तभी आएंगे जब हम लोग इस वाला ये वाला पास कर देंगे इलाका, आयरन मैन के घर से आगे पहुंचेंगे।
हाँ माइकल भाई ये बात सही है, आयरन मैन के घर से आगे पहुंचेंगे तभी हम लोग पास कर पाएंगे रोड रास्ता। भाई साहब वेदर ठीक ठाक हो गया भाई यहाँ पे आके? अरे हाँ फ्रैंकलिन अपने घर के पास आते ही वेदर ठीक ठाक हो गया भाई, ये चीज ग्रेट हो गई। माइकल भाई फ्रैंकलिन सर आइए आइए आइए। भाई गाड़ी का ना इन टाइम में टायर पंचर हो गया, मेरे को ना उससे वो बुलेट प्रूफ टायर लगवाने पड़ेंगे। बुलेट प्रूफ नहीं सर, जो फटे ही ना। हाँ वैसी टायर लगाने पड़ेंगे जो हर काम में काम आए। अरे भाई जेस्को ने बहुत अच्छा किया भाई, जेस्को धकेलने ही वाली थी लेकिन गाइस फ्रैंकलिन भैया आप इतनी बड़ी जंग लड़के आए हो भाई, मेरी तो ना देख देख के कप गया था मैं बिल्कुल ही उसको। हाँ भाई शिनचैन देख के तो मैं भी कप गया था, हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई वो कब आएगी कब नहीं आएगी। फ्रैंकलिन मैं भी यही सोच सोच के पागल हो रही थी बिल्कुल ही। हाँ हाँ मैं देख ही रहा था भाई, यार इतनी बुरा हाल हो गया भाई उस कर्स कलर कार को देख देख करके। फ्रैंकलिन भैया मेरी तो ना सुसु टट्टी ना इधर ही निकल गई, वो तो मैंने अपनी पेंट में कर दी, डायपर पहना हुआ है। बस यार छींचे क्या बात कर रहा है यार, बस यार अब मेरे को जेस्को के ना कल व्हील्स जाके बदलवाने और ऐसे व्हील्स बदलवाने कि यार वो टायर कभी ना फटे और गाइस गाड़ी कभी डैमेज ना हो। लेकिन गाइस फिर भी माइकल भाई कम डैमेज हुई है, फ्रैंकलिन वो इतनी खतरनाक गाड़ी से डैमेज हुई है और भाई कुछ भी डैमेज नहीं है इस गाड़ी में, और गाड़ी होती तो पर खच्चे उड़ गए होते। भाई जेस्को चुम्मा है भाई, जेस्को तो भाई बिल्कुल इतनी तगड़ी गाड़ी है भाई, जेस्को जैसी कोई गाड़ी नहीं बनाई है लॉस सैंटोस में भाई, मतलब पूरे वर्ल्ड में। गाइस देख सकते हो फ्रैंकलिन सर पूरा रास्ता सुनसान पड़ गया है। हाँ भाई हाँ, और वो कर्स्ट किलर कार ने हमारा पीछा करना भी छोड़ दिया गाइस, देख रहे हो ना। तो गाइस यार आप देखो यार नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कैसे करेंगे, अब कैसे ना करें। अरे माइकल भाई पीछे हो यार, कैसे करें कैसे ना करें। अरे यार फ्रैंकलिन नेक्स्ट पार्ट में मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, देखते हैं क्या रहा। अब गाइस चलो नेक्स्ट पार्ट आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस टाटा, ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग।